वेलकम टू योर चैनल वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप अब तक फाइवर की गिग्स की फ़ोटो गूगल से डाउनलोड करके अपलोड कर रहे थे और सोच रहे थे कि जिन्होंने खुद क्रिएट की हुई है उन्होंने कैसे करी हुई है क्योंकि आपको तो फोटो एडिटिंग नहीं आती थी, तो वेल यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और एज़ पर माय कमिटमेंट आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह फाइवर की गिग्स की जो हम फ़ोटो हैं वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था फाइवर में गिग्स को किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था, हाईलाइट किया था कि कभी भी आप गूगल से उठा के फाइवर की गिग्स की जो पिक्स हैं वो अपलोड नहीं करेगा, खुद से क्रिएट करेगा। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई हमें तो आती नहीं क्रिएट करना, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो एज़ आई टोल्ड यू कि आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है, मैं आपको मोबाइल के थ्रू बताऊंगा कि आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं, आर यू रेडी? ओके ओके ओके, तो चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में तीन ऐप नज़र आ रही हैं, इनशॉट, पिक्स आर्ट एंड पिक्सल लैब। ये तीन ऐप्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ किसी भी तरह की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए, चाहे मुझे YouTube का थंबनेल बनाना हो, चाहे मुझे फाइवर की गिग्स का जो है फ़ोटो क्रिएट करनी हो, मैं किसी भी तरह की फ़ोटो एडिटिंग के लिए यही तीन ऐप्स यूज़ करता हूँ। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, कभी मैं एक ही ऐप से पूरी पिक क्रिएट कर लेता हूँ, कभी मुझे दो यूज़ करनी पड़ जाती हैं, कभी तीन यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि फाइवर की गिग्स की फ़ोटो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं तीन ऐप्स को यूज़ करते हुए। फाइवर की गिग की जो फ़ोटो है वो मैं दो ऐप्स यूज़ करके क्रिएट कर लेता हूँ, एक पिक्स आर्ट है और एक इनशॉट है। पिक्स आर्ट मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ कि अपनी इमेज को क्रॉप करके PNG में कन्वर्ट करने के लिए, और बाकी का काम मैं करता हूँ इनशॉट से। कैसे करता हूँ आइए देख लेते हैं। करूंगा बाकी नेक्स्ट जब हम करेंगे तो उसमें हमें दोबारा ऑप्शन देगा कि हमें किसी को मजीद ऐड और रिमूव करना है, तो हम उस वक्त कर सकते हैं। ये मैंने इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं सर पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मजीद मुझे अगर मुझे लग रहा है कहीं से आउट हो रहा है तो मैं यहाँ इरेज करके इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे कहीं ऐड करना है तो मैं रिस्टोर पर क्लिक करके इसको ऐड भी कर सकता हूँ। बट क्योंकि मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है तो मैंने इसको डन कर दिया, और अब मैं कर दूंगा सेव। तो जब मैं सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ इस एनिमेटेड कार्टून की इमेज है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये मुझे चाहिए था, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पिक्स आर्ट। अच्छा, अपनी पिक क्रॉप करने के बाद सेकंड काम आपको ये करना है कि गूगल में जाइएगा और जिस कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए आप वो कलर का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लें। अगर ब्लू चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, जिस भी कलर का सॉलिड चाहिए या थोड़ा सा टेक्सचर में चाहिए, जैसा भी चाहिए आप वो डाउनलोड करके अपने पास रख लें। मैं नॉर्मली मेजॉरिटी में वाइट बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया है। ये सेकंड काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड काम अब मैं यूज़ करता हूँ इनशॉट। बाकी की चीज़ों के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाली ऐप इनशॉट। इसमें इनशॉट ओपन करके मैं फ़ोटोज़ में जाऊँगा और जो मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है मैं सिंपल उसको ओपन कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर दिया है। अच्छा, बैकग्राउंड ओपन करने के बाद मुझे इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। तो फाइवर की गिग्स के लिए जो साइज़ यूज़ होता है वो यहाँ पे देखेंगे 3x2, ये वाला साइज़ यूज़ होता है। अगर आप यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे 16x9 ये वाला साइज़ यूज़ करेंगे आप। तो मैं यूट्यूब के लिए जब क्रिएट करता हूँ थंबनेल तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, और अभी मैं फाइवर का आपको सिखा रहा हूँ तो मैं ये 3x2 यूज़ करूँगा। इसके अलावा भी बाकी सारे दिए मैं फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, लेकिन वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे फाइवर के गिग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 3x2 सेलेक्ट कर लिया।
ये सेकंड, ये हो गया थर्ड काम। अब आते हैं फोर्थ पे। अब आपने जो पिक अपनी क्रॉप करी है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। वो किस तरह करेंगे, आप जाएंगे स्टिकर्स में, स्टिकर्स में जाके आप यहाँ पे ये बना हुआ इमेज वाला इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल खुल जाएगी। इसमें आपने जो सेव किया हुआ है अपने आप को वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया। अब क्योंकि ऑलरेडी इसका भी वाइट बैकग्राउंड था और मैंने भी अभी वाइट सेलेक्ट किया, तो इसलिए आपको लग ऐसा रहा है कि इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, हालांकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं किसी कलर बैकग्राउंड पे लेकर आऊँगा तो ये सिर्फ ये आदमी आएगा, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे अगर ये बड़ा चाहिए तो मैं इसको यूँ करके जूम करूँगा तो जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। इस तरह अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख लें। इसके बाद मैं यहाँ पे टिक का बटन कर दूंगा तो ये स्टिकर मेरा पेस्ट हो गया है। इन केस मुझे इसको आगे पीछे करना है तो मैं सिंपल इस पे अपना थंब प्रेस करके इसको आगे पीछे कर सकता हूँ यूँ करके। और बड़ा छोटे के लिए आपको बता दिया कि इसको टू फिंगर्स यूज़ करके जूम इन जूम आउट करेंगे आप। ये यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब सेकेंड काम होता है टेक्स्ट यूज़ करना। टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है टेक्स्ट वाला आइकॉन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ हाउ टू क्रिएट गिग्स फोटो, ये मैंने लिख दिया। अब ये काफ़ी बड़ा जा रहा है तो मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये एंटर कर दिया, नीचे आ गया इस तरह। इसके बाद यहाँ पे कलर के जो ऑप्शन है, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे जिस कलर का भी चाहिए। इसमें टेक्स्ट का अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर का साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है इसमें। यहाँ पे बॉर्डर आपको बड़ा छोटा करना है, इसको आपको बड़ा छोटा करना है तो ये आप यहाँ पे थंब रख के इसको यूं यूं प्रेस करेंगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। इसके अलावा शेडो भी डाल सकते हैं इसमें, लेबल यानी जो बैकग्राउंड आ रहा है, अगर मुझे लेबल कोई रखना है तो मैं रखूँगा, अगर मुझे नहीं रखना तो मैं यहाँ पर रिमूव भी कर सकता हूँ। लेकिन मेजोरिटी में यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर किसी भी कलर का जो मुझे मैच होता हुआ अट्रैक्टिव लगेगा मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसमें आइकॉन भी यूज़ करते हैं, सिंबल, इस सिंबल का शेप आ रहा है ये सारा, जिस शेप में आपको डालना है ये इस तरह करके सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ओपेसिटी भी है, यानी इसको आपको लाइट और डार्क करना है, अगर 100% नहीं दिखाना है, थोड़ा सा ब्लर में रखना है तो आप इस तरह इसको ब्लर में भी रख सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी 100% ही यूज़ करते हैं यहाँ पे ये। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इधर फॉन्ट में भी मैं जा सकता हूँ, फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ, सारे सब ऑप्शन है इसमें। जिस फॉन्ट को मुझे, जो फॉन्ट मुझे सही लग रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं हम, राइट लेफ्ट सारे ऑप्शन है, साइज़ बड़ा छोटा ये सारा ऑप्शन है, ये साइज़ बड़ा छोटा कर लेंगे। ये अपने जो लेटर्स हैं इनमें गैप्स स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, अप डाउन ये जो क्रिएट करना है ये भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे आराम से। तो जिस तरह भी आप अपने टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहें वो आप उस तरह कर लेंगे, और जब फाइनल हो जाएगा तो टिक कर देंगे। टिक कर लेंगे उसके बाद अपने दोनों थंब को यूज़ करते हुए इसको बड़ा छोटा करके एडजस्ट करके जहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं जिस तरह आप उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह करके मैं अपनी जो है फाइवर की गिग की पिक को क्रिएट करता हूँ। इसमें मज़ीद क्रिएटिविटी डालनी है वो तो फिर आपका अपना माइंड है कि आप इसको किस तरह क्रिएटिव कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं आप जितने चाहें, अनलिमिटेड। यहाँ पर भी स्टिकर्स आपको नज़र आएंगे कुछ डाउनलोड हुए हुए, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेट सपोज अगर मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर शेयर का यूज़ कर रहा हूँ तो ये शेयर का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो भी आप इसमें यहाँ पे क्रिएटिविटी ऐड करना चाहते हैं आप वो कर लेंगे अपने हिसाब से। मज़ीद फ़ोटो ऐड करनी है आप और भी फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, ये देख लें इस तरह। जब ये सारा काम कर लेंगे तो सिंपल आपको सेव करना है और आपकी गिग की फ़ोटो क्रिएट हो गई। अच्छा, इसमें और भी बहुत ऑप्शन हैं, जैसे आप एडजस्ट में जाके ब्राइटनेस वगैरह इसकी देख सकते हैं। सब कुछ ये आप खुद ही जब इसको ऐप को इंस्टॉल करके जब ओपन करके इसकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, तो वो मैं फिलहाल बाद में कभी डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मेरा मेन टारगेट था कि मैं आपको फाइवर की गिग की फ़ोटो क्रिएट करना सिखा दूँ, तो वो मैंने आपको बता दिए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो समझ में आई, पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब तो आपने आई होप कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।